दोस्तों अगर आप भी रोहित और विराट के फैन हैं, उन्हें दिल से पसंद करते हैं तो हमारी इस वीडियो को एक लाइक जरूर कीजिएगा। दोस्तों सूर्या के विध्वंस के आगे नतमस्तक हुआ बेंगलुरु। रोहित के छक्कों से कांपा पूरा क्रिकेट जगत। उनकी खौफनाक बैटिंग के चर्चे पाकिस्तान तक हो रहे हैं, जहां पाकिस्तान के कई बड़े बड़े दिग्गजों शोएब अख्तर से लेकर वसीम अकरम, यहां तक कि शाहिद अफरीदी से लेकर इंजमामुल हक और पाक कप्तान बाबर आजम ने भी उनकी घातक बल्लेबाजी पर जो कहा उनकी बातों में उनका डर साफ तौर पर देखा जा सकता है। आखिर किसने रोहित की कड़ी तारीफ और किसने बेंगलुरु की हार पर उड़ाया उनका मजाक, किसने सूर्या को बताया नंबर वन खिलाड़ी, इन सबके बयान हम आपको दिखाएंगे। लेकिन उससे पहले आपको क्या लगता है, रोहित कोहली और सूर्या में कौन सबसे खतरनाक T20 बल्लेबाज है, नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। दोस्तों IPL 2024 में जिन दो खिलाड़ियों को सबसे अधिक देखने के लिए भारतीय फैंस उतावले थे, वह कोई और नहीं बल्कि भारतीय कप्तान रोहित शर्मा और T20 के नंबर वन खिलाड़ी सूर्य कुमार यादव थे। हालांकि पहले 3 मैचों में फैंस के सूर्य कुमार यादव ने दिली तमन्ना तो नहीं पूरी की, क्योंकि ना ही मुंबई जीत हासिल कर पा रही थी और ना ही सूर्या चोट के चलते इन दोनों में मुकाबले में उपलब्ध थे। लेकिन अब मुंबई इन दोनों खिलाड़ियों के जाने वालों की खुशियों सातवें आसमान पर है। इस कारण यह है कि यहाँ एक तरफ सूर्या मुंबई में वापस भी आ चुके हैं तो वहीं मुंबई जीत की पटरी पर भी लौट चुकी है, जिसका एक अद्भुत नमूना हमें बेंगलुरु के खिलाफ भी देखने को मिला। बेंगलुरु के बल्लेबाज केवल 196 रन बना पाए और इसका पीछा करना आसान भी नहीं था, लेकिन जब सामने रोहित शर्मा हो तो खौफ गेंदबाजों में होता ही है और इस कर को रोहित ने बहुत जल्द हकीकत में बदल दिया। और जब इंसान के साथ मिलकर उन्होंने चौके छक्कों की ऐसी सुनामी लाई कि 101 रनों की अविजित साझेदारी को अंजाम दिया तो ईशान के आउट होने के बाद भी रोहित का बल्ला थमा नहीं। 158 के स्ट्राइक रेट से रोहित ने 3 चौकों 3 छक्कों से सजी 38 रनों की खूंखार पारी खेली और मैदान में उतरे सूर्या ने तो मानो पूरी महफिल अपने नाम कर ली। पिछले मैचों में बिना खाता खोले आउट होने वाले इस बल्लेबाज ने कसम खाई थी कि वह आज बेंगलुरु को नानी याद दिला देंगे। भूखे शेर की तरह बेंगलुरु के सामने मासूम गेंदबाजों को शिकार करते हुए इस खिलाड़ी ने तूफानी छक्के से अपना खाता खोला। आकाशदीप की धज्जियां उड़ाते हुए एक के बाद एक 3 खतरनाक छक्के जड़कर उन्हें खूब आंसू रुलाए तो रुकना क्या होता है, यह तो उन्होंने सीखा ही नहीं। रीस टॉपले को भी बेरहमी से पिटाई करते हुए सूर्या ने न केवल 18 गेंद पर IPL 2024 का सबसे तेज अर्धशतक ठोककर बेंगलुरु फैंस को हक्का बक्का कर दिया, बल्कि अब तो इस दरमियान उन्होंने 5 चौके और 4 तूफानी छक्के भी लगाए और अपनी टीम को एक तरफा जीत दिलाने में सबसे बड़ी भूमिका अदा की, जिसके बाद केवल बेंगलुरु फैंस ही नहीं बल्कि पाकिस्तान भी दहशत में नजर आ रही है। जी हाँ दोस्तों, अब तो पाकिस्तान के कई बड़े बड़े दिग्गजों के बयान भी निकलकर सामने आए हैं, जहां एक तरफ शोएब अख्तर का कहना है कि रोहित तो गेट बल्लेबाज हैं, मुझे कभी भी उनकी क्वालिटी पर शक नहीं था, लेकिन मॉडर्न के क्रिकेट में सूर्या जैसा आजाबाद खिलाड़ी कोई भी नहीं है। 18 गेंद में अर्धशतक मारना या किसी भी ऐसी स्थिति में माशाल्लाह कमाल है। ये खिलाड़ी मुझे सूर्या की बैटिंग खूब पसंद है और यदि ऐसा ही चलता रहा तो मुझे लगता है IPL 2024 का इस बार का T20 वर्ल्ड कप भी भारत ही जीतेगा। केवल यही नहीं दोस्तों, पाकिस्तान के पूर्व कप्तान इंजमामुल हक ने भी कहा, यदि T20 क्रिकेट में मैं आपको परफेक्ट बैटिंग देखनी है तो आप सूर्य कुमार यादव को देख लीजिए। एलिगेंस क्लास और खतरनाक बैटिंग का यह खिलाड़ी अद्भुत नमूना है, इसलिए मुझे इनका बेसब्री से इंतजार था, क्योंकि मुझे पता है यदि सूर्या मैदान में तो एंटरटेनमेंट की कोई कमी नहीं होगी। बेंगलुरु तो कभी भी IPL में जीत नहीं पाएगी, मुझे तो उनसे उम्मीद ही नहीं है, लेकिन यदि सूर्या का बल्ला ऐसे चला तो मुझे लगता है मुंबई जरूर IPL 2024 की चैंपियन बनेगी। तो दोस्तों ये दोनों तो बेहद खुश थे और साथ ही साथ पाकिस्तान के तेंदुलकर माने जाने वाले शाहिद अफरीदी भी उनसे काफी इंप्रेस नजर आए। उन्होंने कहा, मुझे लगता है धोनी के बाद यदि भारत के पास कोई सबसे महान खिलाड़ी है और कप्तान है तो वह रोहित है, और न केवल अपनी टीम की स्थिति के हिसाब से खेलते बल्कि उनकी कप्तानी का भी कोई मुकाबला नहीं। यदि मुंबई इस टूर्नामेंट में वापसी कर पाया तो वह केवल रोहित की वजह से। ये खिलाड़ी ग्रेट है, कभी कभी मेरा सलाम उन्हें सलाम करने का होता है दिल। मुझे लगता है कि T20 वर्ल्ड कप में वह हमें बहुत ज़्यादा मुश्किल देंगे। तो उनके अलावा अब तो दोस्तों वसीम अकरम भी रोहित के नंबर वन फैन बन गए हैं। उन्होंने कहा, क्रिकेट के गेंदबाजों के लिए खौफ का दूसरा नाम है रोहित शर्मा। सूर्य तो अभी अभी आए हैं, उन्हें भी खेलने का ज़्यादा टाइम नहीं हुआ, लेकिन दोस्तों जैसे 17 सालों से गेंदबाज के मन में दहशत पैदा कर रहे हैं वह आसान काम नहीं है। भारत को ना कभी दूसरा रोहित शर्मा भविष्य में मिल पाएगा और ना ही उनके जैसा ग्रेट खिलाड़ी कैप्टन पैदा होगा। यह तो मुझे बहुत अच्छे से मालूम है। 196 रन उन्होंने 15 ओवर में चेस किए, वाह भाई वाह। जी हाँ दोस्तों, इन सभी दिग्गजों का रिएक्शन तो काबिले तारीफ था ही, वहीं बाबर आजम का डर भी उनके चेहरे पर देखा जा सकता था। जी हाँ, बाबर ने कहा कि IPL एक अलग लेवल पर है और इसे रोहित और सूर्या जैसे खिलाड़ी इतनी बड़ी लीग बनाते हैं, मुझे विराट भाई के लिए काफी बुरा लग रहा है, वह मैच भी हार गए हैं लेकिन मुंबई की तारीफ करनी पड़ेगी। खैर, हमारा IPL से कोई लेना देना नहीं है, हम T20 वर्ल्ड कप के जरिए से उनके मैच को देख रहे हैं और मुझे लगता है कि इस बार का वर्ल्ड कप भारत के सामने जितना आसान नहीं होगा। तो दोस्तों देखा आपने कैसे अब तो रोहित और सूर्या के धाकड़ बल्लेबाजी से पाकिस्तान भी दहशत में आ चुकी है, लेकिन अब आपको क्या लगता है, रोहित और सूर्या क्या मुंबई को IPL 2024 के चैंपियन बना पाएंगे? अपनी कीमती राय में नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। दोस्तों जैसा कि आपको पता है, मुंबई और बेंगलोर के बीच मुंबई के घरेलू मैदान पर रोमांचक मैच खेला गया, जहां पर इस मैच में मुंबई की टीम ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया। इस दौरान मुंबई की टीम ने बेहतरीन गेंदबाजी करते हुए बेंगलोर को 20 ओवर में 196 रन 8 विकेट के नुकसान पर बनाने के बाद रोक दिया था। इस दौरान मुंबई की टीम के लिए जसप्रीत बुमराह ने सर्वाधिक 5 विकेट लिए। इस दौरान जसप्रीत बुमराह ने 4 ओवर के अंदर मात्र 21 रन देते हुए 5 बड़ी सफलता अपने नाम की। इस दौरान उन्होंने विराट कोहली और कप्तान फाफ डुप्लेसिस का महत्वपूर्ण विकेट लिया।
साथ में सौरभ चौहान, विजय कुमार बैशाख और महिपाल लोमरर का विकेट लिया और इस सीजन का अपना दूसरा 5 विकेट लेने का कारनामा किया। ऐसे में जसप्रीत बुमराह के 5 विकेट लेने के बाद दुनिया भर के तमाम दिग्गजों का अब दिल जीत लेने वाला बड़ा बयान सामने आया है, जिसमें केविन पीटरसन ने बयान देते हुए कहा है कि जसप्रीत बुमराह ने इस मैच में काफी ज्यादा बेहतरीन गेंदबाजी की है। जसप्रीत बुमराह ने जिस प्रकार से बैंगलोर के खिलाफ शानदार गेंदबाजी करते हुए 5 विकेट लिए, उसके चलते बैंगलोर की टीम बड़ा स्कोर करने में पीछे रह गई। अगर जसप्रीत बुमराह इस मैच के अंदर तेज गेंदबाजी के जरिए विरोधी टीम को परेशान नहीं करते तो शायद जसप्रीत बुमराह के बिना बैंगलोर की टीम 240 रन के करीब मैच में बना देती, क्योंकि जसप्रीत बुमराह के अलावा इस मैच में कोई भी खिलाड़ी बेहतर प्रदर्शन नहीं कर पाया। इसके अलावा उन्होंने आगे बयान देते हुए कहा कि जसप्रीत बुमराह ने जिस प्रकार से तीनों फेज में बेहतरीन गेंदबाजी की उसे देखकर लग रहा है कि ये खिलाड़ी आगे समय में और भी घातक होगा। तो वहीं रिकी पॉन्टिंग ने बयान देते हुए कहा है कि मुंबई की टीम के लिए जसप्रीत बुमराह ने काफी ज्यादा बेहतरीन गेंदबाजी इस मैच के अंदर की है। जसप्रीत बुमराह के अलावा कोई भी गेंदबाज ऐसा नहीं था जिसने इस मैच के अंदर बेहतरीन गेंदबाजी की हो। हालांकि एक समय पर बैंगलोर की टीम 200 रनों के पार पहुंचने का प्रयास कर रही थी, लेकिन जिस प्रकार से आज के मैच के अंदर जसप्रीत बुमराह ने शानदार गेंदबाजी करते हुए बैंगलोर की टीम को 200 रन के अंदर रोक दिया, वो बताता है कि बैंगलोर की टीम के सामने जसप्रीत बुमराह ने कैसा प्रदर्शन किया है। इसके अलावा उन्होंने आगे बयान देते हुए कहा कि जसप्रीत बुमराह अगर इसी तरीके से आगे भी बेहतरीन गेंदबाजी करते रहे तो आने वाले समय में बाकी टीमों को काफी ज्यादा दिक्कत हो सकती है। तो वहीं एबी डिविलियर्स ने बयान देते हुए कहा है कि इस मैच में मुंबई की टीम की तरफ से आज जसप्रीत बुमराह ने काफी ज्यादा बेहतरीन गेंदबाजी की है। जसप्रीत बुमराह ने जिस प्रकार से विराट कोहली को सेटअप के जरिए पवेलियन का रास्ता दिखाया वो इस मैच का सबसे बड़ा विकेट था। इसके अलावा कप्तान प्लेसेस उसको आउट भी करना जसप्रीत बुमराह के लिए काफी ज्यादा बेहतरीन विकेट साबित हुआ है, क्योंकि अगर आप सेट बल्लेबाज को आउट करते हैं तो ये आपकी टीम के लिए काफी ज्यादा फायदेमंद साबित होता है। इसके अलावा उन्होंने आगे बयान देते हुए कहा कि जसप्रीत बुमराह ने तीनों फेज के अंदर शानदार गेंदबाजी के जरिए विरोधी टीम के बल्लेबाजों को परेशान किया और मैच में मुंबई की टीम को काफी ज्यादा मजबूती दिलाई थी। तो वहीं सुनील गावस्कर ने बयान देते हुए कहा है कि इस मैच में जसप्रीत बुमराह की शानदार गेंदबाजी को देखकर मैं काफी ज्यादा खुश हूं। आज के दिन जिस प्रकार से जसप्रीत बुमराह ने बेहतरीन गेंदबाजी करते हुए 5 विकेट लिए हैं वो बताता है कि मुंबई की टीम के लिए यह गेंदबाज कितना ज्यादा महत्वपूर्ण है। इसके अलावा उन्होंने आगे बयान देते हुए कहा है कि मुंबई की टीम के लिए जसप्रीत बुमराह अगर आज बेहतरीन गेंदबाजी नहीं करते तो शायद मुंबई की टीम को काफी दिक्कत का सामना करना पड़ सकता था, लेकिन उनकी बेहतरीन गेंदबाजी के जरिए मुंबई की टीम को काफी ज्यादा मजबूती मिली है। इसके अलावा उन्होंने आगे बयान देते हुए कहा कि जसप्रीत बुमराह का ऐसी गेंदबाजी अगर वो करते रहे तो भारत के लिए भी फायदेमंद होगा। तो वहीं शोएब अख्तर ने जसप्रीत बुमराह की शानदार गेंदबाजी के अलावा इस मैच के अंदर बैंगलोर की टीम की तरफ से दिनेश कार्तिक की काफी ज्यादा बेहतरीन बल्लेबाजी देखने को मिली है। एक समय पर जसप्रीत बुमराह की शानदार गेंदबाजी के जरिए 200 रन के स्कोर सोचना मुश्किल हो गया था और लग रहा था कि टीम 180 रन का आंकड़ा भी पार नहीं कर पाएगी, लेकिन जसप्रीत बुमराह की शानदार गेंदबाजी के अलावा दिनेश कार्तिक ने बेहतरीन बल्लेबाजी करते हुए चारों तरफ मैदान पर छक्के और चौके की बारिश करते हुए 197 रन का टारगेट मुंबई की टीम को दिया है। ऐसे में दिनेश कार्तिक की बल्लेबाजी को देखकर मैं काफी ज्यादा खुशी महसूस कर रहा हूं। तो दोस्तों, जसप्रीत बुमराह की शानदार गेंदबाजी को देखकर आप 10 में से कितने अंक देना चाहेंगे, अपनी राय नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर दें। दोस्तों, अब तक की आईपीएल इतिहास में सबसे अधिक हैरान कर देने वाला मुकाबला वानखेड़े के मैदान में देखने को मिला। इस मैच में मुंबई इंडियंस और रॉयल चैलेंजर बैंगलोर की टीम आमने सामने थी। जब कप्तान हार्दिक पांड्या ने टॉस उछाला तो सिक्का उनके पक्ष में गिरा और पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया और मेहमान टीम रॉयल चैलेंजर बैंगलोर को बल्लेबाजी करने के लिए आमंत्रित किया। बैंगलोर की तरफ से ओपनिंग की शुरुआत करने मैदान पर विराट कोहली के साथ कप्तान फाफ डु प्लेसिस आए। वहीं मुंबई की तरफ से पहला ओवर लेकर आए अफगानिस्तान के सबसे खतरनाक स्पिनर गेंदबाज मोहम्मद नबी। यह मुकाबला देखने के लिए पूरा क्रिकेट जगत बेसब्री से इंतजार कर रहा था। विराट कोहली बेहद ही आक्रामक अंदाज में नजर आ रहे थे। मोहम्मद नबी की दूसरी गेंद पर सिंगल लेकर अपना और अपनी टीम का ख्याल खाता खोल दिया और वहीं मोहम्मद नबी भी शानदार गेंदबाजी का नजारा दिखा रहे थे। इनके ओवर में बैंगलोर के बल्लेबाजों को सिंगल से ही संतुष्ट होना पड़ रहा था, लेकिन तभी फाफ डु प्लेसिस ने ओवर की अंतिम गेंद पर शानदार कवर ड्राइव लगाकर चौका जड़ दिया और अपनी टीम को पहले ओवर में 7 रनों तक पहुंचा दिया। मुंबई के लिए दूसरा ओवर लेकर आए टीम के सबसे खतरनाक तेज गेंदबाज स्कॉट जिया बेहतरीन गेंदबाजी का नजारा दिखा रहे थे। बैंगलोर के बल्लेबाजों को रन बनाना थोड़ा मुश्किल हो रहा था। फाफ डु प्लेसिस बाल बाल इतने ओवरों पर अपने विकेट गंवाने से बच रहे थे। मुंबई के गेंदबाज पूरी तरह से शिकंजा कस चुके थे, लेकिन तभी ओवर की अंतिम गेंद पर कप्तान फाफ डु प्लेसिस ने बेहतरीन छक्का लगाकर अपनी टीम को 2 ओवर में 14 रनों तक पहुंचा दिया। अभी तक यह मुकाबला बराबरी पर चल रहा था, क्योंकि ना तो गेंदबाज विकेट निकालने में सफल हो रहे थे और ना ही बैंगलोर के बल्लेबाज कुछ खास अंदाज दिखा रहे थे। मुंबई की तरफ से तीसरा ओवर लेकर आए एक बार फिर दुनिया के सबसे खतरनाक तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह बेहद अलग अंदाज में नजर आ रहे थे। अपने ओवर की दूसरी गेंद पर बुमराह ने विराट कोहली को ऐसा चकमा दिया कि गेंद सीधा पैड पर लगी, लेकिन इस बार विराट कोहली बच गए। मगर बुमराह ने अपने ओवर की तीसरी गेंद पर इस बार उन्होंने विराट कोहली को पवेलियन का रास्ता दिखा दिया। विराट कोहली 9 गेंद पर 3 रन बनाकर बुमराह के शिकार हो गए।